जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, जिंदाबाद जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी। देखिए आज जो यहाँ पे सोहामा में आज हमने ये तार शरीफ कॉन्फ्रेंस में कन्वेंशन बुलाया है, इसका ये मकसद था कि 8 मार्च 2020 में हमने ये पार्टी वजूद में लाई, तो आज 8 मार्च 2023 में इसका 3 साल हो रहे हैं, तो इसीलिए आज हम ये दिन मना रहे हैं। तो हमारे प्रेसिडेंट साहब का पहले से आर्डर से हुक्म था ऊपर से कि अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज वो अपना ये प्रोग्राम करे, इसीलिए आज यहाँ पे हमने ये जलसा किया। देखिए गवर्नमेंट से मेरी एक ही गुजारिश है कि फौरन यहाँ पे एक तो असेंबली इलेक्शन किया जाए, क्योंकि हमारे ये जो मज़लूम है लोग ये परेशान है, ये यहाँ पे अफसर राज है, जो जंगल राज है, यहाँ पे जितने भी हमारे ये वर्कर्स है, ये गरीब आवाम है, ये अफसरों के पास जाते हैं, वहाँ पे इनको बाहर निकाला जाता है, तो इसलिए लोग चाहेंगे कि अपना नुमाइंदा सामने लाए और लोगों के मसाइल हल हो जाए। यही गुजारिश। जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी 8 मार्च 2020 को मौजूद वजूद में आई है, उसी रोज इस पार्टी की बुनियाद डाली गई है। तो चूंकि आज 8 मार्च है, हमारी पार्टी की जो सालगिरह मनाई जा रही है आज, और इस मौके पे हमने फैसला लिया था, हमारे कायद जनाब सैयद अल्ताफ़ बुखारी साहब की क़यादत में पार्टी के लीडर्स की मीटिंग हुई, उसमें यह फैसला लिया गया था कि जो हमारी यूटी है इस वक्त हमारी सबका रियासत को जो तब्दील किया है, यूटी किया गया है यूटी में, तो यूटी की बराबर 90 असम्बली इंतखाबात जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनमें हर जगह ये सेलिब्रेट किया जाए। आज का दिन जो हमारी पार्टी का राइजिंग डे है, जन्मदिन है, इसी सिलसिले में इस वक्त यहाँ सारे शरीफ कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट जनाब मुश्ताक अहमद जोहामी की क़यादत में ये एक अजीमशान जलसा मुनक्कद हो रहा है, और हमने फैसला लिया है पार्टी की तरफ से कि जिस मकसद के लिए हमारी पार्टी की बुनियाद डाली गई है, उन मतालबात को दोहराएं, उन मामलात को दोहराएं, मरकजी सरकार से अपील करें कि यहाँ असम्बली इंतखाबात अमल में लाए जाएं फौरी तौर, ताकि जो जंगल राज यहाँ चल रहा है, जंगल कवानीन है, उनका खात्मा हो, और हमारी जो रियासत है, जो पुरानी रियासत थी, उसको बहाल किया जाए। और आज चूँकि इतफाक़न और खुशकिस्मती से आज वर्ल्ड वुमेन्स डे है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए